वेरी गुड इवनिंग गाइस, दिस इज डायरेक्टर ऑफ द रेशम आईएएस एकेडमी मौसम बब्बर, और आज आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी सिंस 2019। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा पैंडमिक ईयर रहा है 2020। तो गाइस, मैं अगर आपको ये बताऊं कि हमारी इकोनॉमी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में, जब हमने सबसे पहले कोविड को कंट्रैक्ट किया, तो -23.9% की कंट्रैक्शन गाइस हुई थी। ये बिजनेस टुडे का एक डेटा है जो हमें पता चला कि हमारी इकोनॉमी हमारे 2020 के पहले क्वार्टर में -23 point कुछ परसेंटेज जो है वो डाउन गई थी। इतना ही नहीं, अगर आपको ये पता चले कि 23.9% नेगेटिव टेरिटरी में जाने के बाद, यानी कि नीचे जाने के बाद आपका माइनस में, हमारी इकोनॉमी का जो 2020 और 21 का जो ग्राफ है, यानी कि कोविड के जो ईयर का जो लास्ट में एनुअल हमारा ग्राफ है, हमारी कंट्रैक्शन सिर्फ 7 to 8% के आसपास की दिखी थी। अप्रॉक्सीमेटली कहें तो 6 point कुछ परसेंटेज आपकी। ये दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रीबाउंड इकोनॉमी का हुआ है, बेसिकली आपके फर्स्ट क्वार्टर से लेके और लास्ट तक। वेल, कुछ आपके रीजंस हैं इसके, बहुत सारी और बातें हैं कि ये कैसे हुआ है, या फिर क्वार्टर वाइज क्वार्टर हमारा क्या हाल है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर ये देखेंगे कि हमारे इस नेगेटिव टेरिटरी के कॉन्ट्रैक्शन के बाद कैसे हमने 2020-21 को एंड किया, अपने पैंडमिक ईयर को, और 21-22 के प्रोजेक्शंस क्या थे, और अब हमारे हालात फाइनली क्या है। नेगेटिव टेरिटरी की 23.9% जाने के बाद हमारा जो सेकंड क्वार्टर आया 2020-21 का, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। हमारी कॉन्ट्रैक्शन 7% के आसपास आई। क्यों? क्योंकि आपके कुछ हद तक सेक्टर्स जो हैं वो ओपन अप होने लग गए थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें या फिर वैसे अगर हम बात करें। बट माइंड दिस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमारा बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था। 2-3 months के अंदर इतना रीबाउंड हमने ज़रूर कर लिया कि चलिए -23% के आसपास जो हम गिरे थे, तो फाइनली हम उससे 7% की कंट्रैक्शन पे आ गए थे, और कुछ हद तक फिर भी हमारा रीबाउंड जो है वो हुआ था। पर बात ये है कि फाइनली 6 months के अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन के बाद, जब इकॉनमी ओपन अप होनी शुरू हुई, या फिर आप यूँ कह लीजिए फेस्टिव डिमांड के बाद, जब फेस्टिव डिमांड का सीज़न आया हमारा अक्टूबर में, नवंबर में, तो जब इकॉनमी ओपन अप हुई फाइनली, थर्ड क्वार्टर के डेटा ने हमें काफ़ी ज़्यादा होप दी, और फोर्थ क्वार्टर जब आया फाइनली हमारा, या फिर यूँ कह लीजिए जो एनुअल हमारी प्रोजेक्शन आई, तो जैसे कि मैंने आपको अभी फ़ोटो दिखाई, हमारी इकोनॉमी की कंट्रैक्शन हमारे एनुअली अगर हम देखें 2020-21 की, तो कंट्रैक्शन 6.8% थी। पहले क्वार्टर में जहां 23.9% आप गिरे थे, सेकंड क्वार्टर में कुछ हद तक आपकी इम्प्रूवमेंट हुई, थर्ड में फेस्टिव डिमांड की वजह से जब आप थोड़े से राइज अप किए, पर फोर्थ में जब डेटा सामने आया, तो 2021 का हाल ये था कि कंट्रैक्शन जो है 6.8% थी। पर अगर आप जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करोगे, तो वो हमारी इन कंपैरेटिव टू 2019-20 काफ़ी नीचे गिरी, जिसका सबसे बड़ा मेन श्रेय आपकी लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही है। क्योंकि पैंडमिक में जब लॉकडाउन लगे आपके पहले साल में, बेसिकली तो काम हुआ नहीं, सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा हिट रही, सर्विसेज तो अभी तक आपकी हिट हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा दब गई, आपने पूरी तरह से इकोनॉमी को बंद कर दिया, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको देखने को मिला है। डेटा के बारे में अगर हम देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कैसे सपोर्ट कर रहा है ये इस बात को कि 2019-20 के कंपैरेटिव हमारे जीडीपी का स्कोप ये है, इन कंपैरेटिव टू 2020-21 जहाँ पे हमारी इकोनॉमी का फॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरेटिव। ऐसे आप देख भी सकते हैं कि कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने हमारे 2021 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या की थी, पर जैसे ही कोविड हमारा आया 2020 में, तो आप देखेंगे कि इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोजेक्शंस हैं वो कितना ज़्यादा डिप इन सब में आया है। फिर चाहे आप IMF की बात करें, या वर्ल्ड बैंक की बात करें, या फिर और बैंक्स के बारे में बात करें, तो ये दिखाता है कि कोविड का इम्पैक्ट आपके पूरे उस साल के इकोनॉमी के ऊपर बेहद ज़्यादा रहा, और हमारे जितने भी प्रोजेक्टेड जो हमारे मेंशंस थे हमारी जीडीपी को लेके, वो सब के सब आपके बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। 2021 के इस बहुत ज़्यादा एक अप्स एंड डाउन्स के ईयर के बाद, जब गाइस कोविड को नॉर्मलाइज होने की बात हुई, तो 21-22 की जो हमारी प्रोजेक्शन थी खुद की हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ के लिए, वो 9.2% थी। और अगर आप इंटरनेशनल कुछ इकोनॉमीज़ के लिए बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि इवन इंडिया की प्रोजेक्शन 9.9% तक पैक की गई थी। और जैसे ही आपका क्वार्टर वन का डेटा सामने आया 2021-22 का, तो हमें पता चला कि हमने जो
रीबाउंड किया है फाइनली कहाँ, तो आप देखिए क्वार्टर फोर का डेटा, अब आप देख रहे थे 2020-21 का जो लास्ट में है क्वार्टर फोर का, वो सिर्फ 1.6% का है, पर जैसे ही 2020-21-22 का हमारा पहला क्वार्टर का जब डेटा बाहर आया तो हमने बहुत बाकमाल ग्रोथ दिखा दी। और जो लोगों ने रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया की पैक की थी 9.2% के ऊपर या 9.9% के ऊपर पूरी दुनिया लेवल पे, वो बिल्कुल सच नज़र आ रही थी कि फाइनली इंडिया जो है वो 2021-22 के पहले क्वार्टर के डेटा के कंपैरेटिव अगर देखते हुए चलें तो बहुत बेटर जो है वो ग्रो कर रहा है। तो 2021-22 के फर्स्ट क्वार्टर के इस ड्रामेटिक राइज के बाद हुआ यूं कि गाइज हमारी सेकंड वेव जो है कोविड की जब आई तो उसने एक बार फिर से हमारे इकोनॉमी को हैम्पर कर दिया, और इसका इफेक्ट हमारे सेकंड क्वार्टर की प्रोजेक्शन पे भी दिखता है। कहाँ तो आप लोगों ने देखा ये फोटो में कि 20% जो है हम आपके राइज पे किए हैं क्वार्टर वन में 2021-22 के, पर सडनली जब हमने क्वार्टर सेकंड का डेटा जब देखा तो हम आपके 12% गिर गए थे। हमारी जीडीपी प्रोजेक्शन क्वार्टर सेकंड को लेके सिर्फ 8% की है कुछ आपकी, और अगर हम उसी साल के क्वार्टर थर्ड को देखें 2021-22 के थर्ड क्वार्टर को देखें तो दिसंबर में आपकी जो टेंशन्स, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपकी रशिया यूक्रेन को लेके बिल्डअप हो रही थी, ये उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारी थर्ड क्वार्टर की जीडीपी प्रोजेक्शन और ज़्यादा नीचे गिर गई, सिर्फ आपके 5% के आसपास। जैसे ही हम फोर्थ क्वार्टर की तरफ देखते हैं 2021-22 के, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि फेब में तो आपके पुतिन ने अटैक ही कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी प्रोजेक्शन आपकी सिर्फ फोर्थ क्वार्टर की 4.1% की रहेगी हमारी। तो आप देखिए कि थर्ड क्वार्टर में इवन 5% के आसपास है, पर फोर्थ क्वार्टर की जो प्रोजेक्शन है 2021-22 की वो हमारी सिर्फ 4.1% के आसपास है और कहाँ गिरती जा रही। तो इस साल में आपने देखा कि कैसे शुरू में 20% तक हम गए थे, फॉलोड बाय आपका 8%, देन थर्ड क्वार्टर में सिर्फ 5% कुछ, और फोर्थ क्वार्टर में आते आते हम आपके सिर्फ 4% पे रह गए। तो ये दिखाता है कि जीडीपी का कितना ज़्यादा डिक्लाइन जो है आपका हर क्वार्टर वाइज इकोनॉमी में हुआ है, और हमारे बहुत सारे सेक्टर्स आपके सफ़र किए हैं। सबसे ज़्यादा हिट आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, कैश का जो क्रंच बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या फिर आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से वो टेम नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। तो इसका इम्पैक्ट आपके इस ओवरऑल इकोनॉमी के क्वार्टर वाइज डेटा के अंदर आपने देखा कि कैसे आपके सेक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट को फेस कर रहे हैं। तो इस सारे एपिसोड के बाद आपने देखा कि कैसे हमारे 2021-22 में जब हम एंटर किए थे तो एक कंट्रैक्शन से एंटर किए थे क्योंकि पिछला साल 2021 का सही नहीं रहा था, बट 2021-22 में जब एंटर किए तो फर्स्ट क्वार्टर में 20% ग्रोथ अचीव की, सेकंड में 8% की, थर्ड में 5% की, फोर्थ में हमने 4.1% की, और ओवरऑल जो डेटा हमारा सामने आया तो आप याद करेंगे, ये देखिए फोटो में जब मैंने आपको बताया था कि हमने 21-22 के लिए 9.2% किया था, दुनिया ने हमारे लिए 9.9% किया था, पर जब एक्चुअल में डेटा सामने आया हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का तो हम ग्रो किए थे 8.7%। अगर देखा जाए हमारे बेस इफेक्ट को कैलकुलेट कर लिया जाए कि हम कॉन्ट्रैक्ट कितना किए थे 2020-21 में, तो उसके कंपैरेटिव अगर आप हमारी जीडीपी 2021-22 की ग्रोथ देखोगे तो हम 8.7% के ऊपर आपके थे। गाइस 2021-22 के बाद अब हमारा एक छोटा सा लास्ट में और रह गया है, वैसे तो 22-23 अभी हमारा पूरा हुआ ही नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कुछ ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कुछ इंडेक्सेस हैं हमारे पास, तो कैसे आप देखोगे कि हमारे कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने 22-23 के लिए पहले क्या प्रिडिक्ट किया था, पर जैसे ही आपका वॉर का इम्पैक्ट दुनिया में दिखने लगा तो उन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस को रिवाइज करके इंडिया के लिए क्या बता दिया। या फिर आप ये भी इंडेक्स में देख सकते हैं बेसिकली कि आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस ने क्या प्रोजेक्ट किया था इंडिया के लिए 22-23 के लिए। जैसे आपके मूडीज़ के बारे में अगर आप बात करोगे तो उनकी प्रोजेक्शन सिर्फ आपके 5% के आसपास है इंडिया के इस साल के जीडीपी ग्रोथ की, और अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशंस को देखोगे तो उन्होंने पहले कुछ और प्रोजेक्ट कर रखा है पर बाद में उन्होंने आपका बेसिकली रिवाइज करके दिखा रखा है इस वॉर के इम्पैक्ट को दिखाने के लिए। गाइज इस पूरी वीडियो में हमने यही देखना था 2020-21 के क्वार्टर की जीडीपी प्रोजेक्शन से लेके 2021-22 के जीडीपी प्रोजेक्शंस को लेके, और फिर उसके बाद 22-23 में हमने प्रोजेक्ट क्या किया है।
ये भी हमारे एक आज के आर्टिकल्स के अंदर ये सारी बातें हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर आज एक आर्टिकल पढ़ रहे थे टेमिंग इन्फ्लेशन इंडियन एक्सप्रेस का, तो उसी से हमें मुझे ये लगा बेसिकली कि एक वीडियो इसके ऊपर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम हर बार ये डेटा बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो इस पर काम कर रही है। मैंने अभी आपको सॉल्यूशंस नहीं बताए हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या आरबीआई कैसे उसको टैकल करता है, वो एक अलग टॉपिक बनेगा उसका, कि गवर्नमेंट जो भी करती है वो फिस्कल पॉलिसी से होता है या आरबीआई जो भी करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी से होता है। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आप रेपो रेट को ऊपर करते हो नीचे करते हो, वो सब हम किसी और वीडियो में समझेंगे अच्छे से, पर इस वीडियो में आपको एक बेस दिखाना था मुझे कि 2020-21 में क्या हाल है, 21-22 में कैसे हुआ है, और अब 22-23 में जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ले रही है या फिर आरबीआई ले रही है तो उसका इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली में ड्राइव किस डेटा से हो रहे हैं। तो ये सारी वीडियो में आपके पास डेटा सामने है, इसको अच्छे से आप देख सकते हो समझ सकते हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आर्टिकल्स के लिए आगे, इकोनॉमी के या ओवरऑल भी आर्टिकल्स को समझने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है गाइस, बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आप अपने टॉपिक भी बता सकते हो कमेंट्स में इफ़ यू रियली लाइक समथिंग टू अस टू मेक फॉर यू। बाकी एज़ यू आर न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हम कल एक और नई वीडियो में मिलेंगे। एंटिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, टेक केयर।